हेलो गाइस, पोकेमोन अरीना में आप सभी का स्वागत है। कैसा होगा फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि कैलोज रीजन वो पहली रीजन नहीं थी जिसमें मेगा एवोल्यूशन हमें पहली बार देखने को मिला था। और फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि नेशनल एश कैचम डे जैसा भी एक दिन है? अगर नहीं भी पता फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग पोकेमोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 अमेजिंग पोके फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपको एकेंस और आरबॉक के बारे में तो पता ही होगा। एकेंस हमारी प्यारी सी टीम रॉकेट की मेंबर जैसी का पहला पोकेमोन था। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होगा कि ये पोकेमोन सांप की तरह दिखता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि इस पोकेमोन का स्नेक की तरह दिखने का हिंट इसके नेम में ही है? अगर नहीं यकीन आता तो एकेंस और आरबॉक के स्पेलिंग्स को पीछे से देखो, एकेंस का स्नेक बन जाएगा और आरबॉक का कोबरा। फैक्ट नंबर 2, क्या फ्रेंड्स आपको पता है कि जीरा फ्रिग एक ऐसा पोकेमोन है जिसका नेम अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग से देखें चाहे तो लास्ट से, उसका मीनिंग जीरा फ्रिग ही निकलता है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि नेशनल एश कैचम डे जैसा भी एक दिन है? जी फ्रेंड्स, 15 सितंबर नेशनल एश कैचम डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एश ने अलोला लीग जीती थी और वो चैंपियन बना था। अगर विश्वास नहीं होता तो पोकेमोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख लेना, पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एश के फ्रेंड्स जिन्होंने एश के साथ ट्रैवल किया है उनमें से 6 पोकेमोन की बेस्ट टीम किसके पास है? अगर आप सोच रहे हैं ब्रॉक, मिस्टी, आयरिस या क्लेमोन से कोई होगा तो आप गलत हैं। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि इनके पास स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पोकेमोन एक ही कॉमन टाइप के हैं। फ्रेंड्स आंसर है मे के पास एक बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें ब्लेजिकिन, वीनासोर, ब्यूटीफ्लाई, वॉटर्टल, मंचलैक्स और ग्लेशियन जैसे पोकेमोन हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइज आपने देखा होगा जब पोकेमोन इवॉल्व या मेगा इवॉल्व होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ हाइट और साइज में भी बड़ा हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है कुछ ऐसे पोकेमोन भी हैं जो मेगा इवॉल्व होकर हाइट में छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूटू, जब म्यूटू मेगा म्यूटू वाई में इवॉल्व होता है तो वो हाइट में छोटा हो जाता है। और फ्रेंड्स गेंगार के साथ भी कुछ ऐसा ही है, वो भी जब मेगा इवॉल्व होता है तो उसकी भी हाइट छोटी हो जाती है। अगर फ्रेंड्स वीडियो को एंजॉय कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कंजूसी मत करना। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मिसिंग नंबर एक रियल पोकेमोन है? और जहाँ मैं कहूँ मिसिंग नंबर कैंटो के रियल पोकेमोन थे। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि मिसिंग नंबर क्या है तो मैं बता दूँ कि पोकेमोन की पुरानी गेम्स जो रेड की जर्नी पर बेस्ड हैं उनमें सीनाबर आइलैंड के कोस्ट पर एक वाइल्ड पोकेमोन मिलता था जिसका नेम मिसिंग नंबर था और उसकी फ़ोटो ग्लिच होती थी। इसके आज तक 29 फॉर्म्स मिले हैं। वो 29 पोकेमोन्स कैंटो को बिलोंग करते थे लेकिन उनको परमानेंटली रिमूव कर दिया गया। लेकिन शायद जब म्यूटो को कैंटो के 151 पोकेमोन के तौर पर ऐड किया गया तो शायद वो मिसिंग नंबर भी ऐड हो गए और गेम में हमें वो ग्लिच देखने को मिला। इमेजिन करो फ्रेंड्स कैंटो के और 29 पोकेमोन्स जो हमने आज तक नहीं देखे। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि हाईएस्ट पोकेमोन किस रीजन में पाए जाते हैं? अगर नहीं पता तो आंसर है जुनोवा। जुनोवा रीजन में 156 पोकेमोन्स पाए जाते हैं। नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार मेगा एवोल्यूशन हमें कब देखने को मिला था तो आपसे बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कैलोस रीजन, जो कि गलत है। पहला पोकेमोन जो मेगा इवॉल्व हुआ था वो म्यूटू था और वो जुनोवा रीजन की मूवी जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेंड में दिखा था, जो कि 13 जुलाई 2013 को रिलीज़ हो गई थी। कैलोस रीजन और XY सीरीज 17 अक्टूबर 2013 को आई थी, मतलब 4 महीने बाद। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे पता चलेगा कि आपका चैरिजर्ड मेगा चैरिजर्ड एक्स में इवॉल्व होगा या मेगा चैरिजर्ड वाई में? तो वो डिपेंड करता है मेगा स्टोन पर। अगर वो मेगा स्टोन एक्सर्नियस के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी से बना होगा तो चैरिजर्ड मेगा चैरिजर्ड एक्स में इवॉल्व होगा। अगर वो जेल्टियल की एनर्जी से बना होगा तो वो मेगा चैरिजर्ड वाई में इवॉल्व होगा। अमेजिंग ना।
नंबर 10। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि एक्जर्नियस एंड जेल्टियल को डिज़ाइन करने में पोकीमोन के डिज़ाइनर को 18 मंथ्स लग गए थे। इससे पता चलता है कि XY सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और शायद इसीलिए ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इतने अमेजिंग फैक्ट्स जानने के बाद प्लीज़ कंजूसी मत करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।